Onge la voi di rimetto. Ora voi di la voi. मैं तो आ रहा था उस साइड से, ये आपस में झगड़ रहे थे। कौन झगड़ रहा? ये अरविंद कुमार और ये माली। अरविंद कुमार नीचे था, मैं इनको मैंने छोड़ाने का प्रयास किया, तो लठिया ये जो मेरे भी लगी है मैंने इनको छोड़ाने का प्रयास किया दो तीन दफ़ा। ये पांच सात लोग थे, हम दो लोग थे, दो तीन लोग थे सबसे ये हुआ वार्ता। फिर हम साथ में होकर थाने आगे मुकदमा दर्ज करा। कुछ लोग दो लोग भर्ती है, अरविंद कुमार है एक, एक उनका भाणिज है, दो लोग भर्ती है। तो किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? उसने एक मोटरसाइकिल वाला छोटा बच्चा को छोड़ाने की वजह से इन्होंने कहा उसको छोड़ दे, इन्होंने छोड़ा नहीं। जब मेरा बच्चा पैसे मांगे उनसे, पैसे इन्होंने दिया, अरविंद कुमार को पीटा इस वजह से, इन्होंने लकड़ियों से। बीच अरविंद कुमार बीच में है, अरविंद कुमार बीच में है, अरविंद कुमार को पीटा मारा गिरा, उसके बाद मैं आया बच्चा को छुड़ाने के लिए। उपनाम चंपालाल गुलेच्छा, कल्याणपुरा मार्ग नंबर दो, बाड़मेर देता हूँ। क्या हुआ? मेरा बच्चा और उसके दोस्त साथ में जा रहे थे रेलवे क्रॉसिंग के पास में, तो मालिक के समाज के लोगों ने उसने को रोकने का कहा। बच्चे ने बोला कि भाई रात के समय अनजान आदमी क्यों रोके, तो निकले तो फिर पीछे आगे हो उनको रोका कर और गुजरी पकड़ी मेरे बच्चे की और मारपीट करने लगे। तो अन्य लोगों ने देखा, जैसे अभी नाम बताया अनिल कुमार और अन्य लोगों ने, तो उन्होंने छुड़वाने की कोशिश की, तो उनको मारने की शुरू कर दी उन्होंने। बराबर ही हो, पैसे मांगे तो पैसे दो, पैसे लिए हैं तो भी बच्चों को मालूम है, मेरे को पूरा मालूम नहीं है, जाते जो पैसे उनसे बच्चों से ले लिए और बड़ा बड़ा परेशान किया है। कितने बच्चे थे? तीन बच्चे थे। अच्छा, और मारने वाले? मारने वाले तो पाँच छः जो लूटने वाले, ये माली समाज के दारू पीते हैं वहीं ज़्यादा जमता है, सब सुना है, इसीलिए वहाँ घटना होती रहती है। ओके, एक मिनट निकला। मामला दर्ज हो गया है। मामला ये था कि मैं तो अभी हमीरपुरा कहीं बैठा था, किसी के घर पर मिलने आया था, मुझे कॉल आती है अरविंद की, जो मेरा मित्र भी है, कि भाई साहब मेरे साथ में बहुत ज़बरदस्त मारपीट हुई है, तो आप कृपया करके थाने आइए। तो मैंने थाने आकर उससे पूछा, तो जो उसने घटना बताई उसके अनुसार दो नाबालिग लड़के, एक गौरव और एक उसका साथी, दोनों जयेश और एक साथी और था, तीनों रेलवे फाटक बाड़मेर की तरफ जा रहे थे, तो वापस उनको कुछ वहाँ बदमाश लड़के खड़े थे माली, जो शकल से उनको जानते हैं, तो उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, तो रुके नहीं और वापस घूम के आए, तो उन्होंने उनको रोक के और उनके साथ पैसे मांगे कि भाई मेरे को पैसे दो, मुझे शराब पीना है, पैसे दो, और उनके साथ मारपीट करने शुरू की। इतने में ये अरविंद और ये पहुँच गए, अरविंद और पहुँच ये छोड़ाने लगे, तो इनको भी ये मारपीट करने, लकड़ी से, सरिये से और लट्ठों से मारने लगे, और अरविंद और इन सबको पाँच सात दस लोग बदमाश लड़के इकट्ठे हो गए और कहने लगे कि आप हमें पैसे नहीं दोगे तो हम तो इसी तरह से दंगा करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। इस प्रकार की ये घटनाएं, उसके बाद में जब मालूम हुआ कि ये घटनाएं नित्य प्रतिदिन, जब यहाँ अब इतनी भीड़ इकट्ठी, इससे पहले तो किसी ने नहीं बताया, परंतु नित्य प्रतिदिन इस प्रकार की ये घटनाएँ हो रही हैं। तो हमने ये रिपोर्ट जब CI साहब को मालूम पड़ा, तो पुलिस मौके पर पहुँच चुकी थी, दो को गिरफ्तार भी कर लिया था, और ये रिपोर्ट दर्ज भी हो गई है, और पुलिस अपनी बढ़िया कार्रवाई कर रही है, और पुलिस का और आप लोगों का जो सहयोग रहा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितने लोगों की विरुद्ध करवाई मामला? मामला लगभग नामजद भी है, चार पांच लोग नामजद हैं, उसके अलावा भी भीड़ उस समय, वो जो बता रहे थे लड़के, उस समय आठ दस लड़के थे बदमाश,
इस हिसाब से घायलों को एडमिट किया। हाँ, घायल को पुलिस अपनी गाड़ी में लेके हॉस्पिटल गई है और वो बताया ऐसा जा रहा है कि शायद एक या दो को किसी को एडमिट भी करना पड़ सकता है। अभी थोड़े दिन पहले ये शिकायत मिली थी, स्कूटी पे दो बच्चे थे जयेश और उनके साथ, वहाँ पे कोई गाड़ी पे जो काम सब्जियाँ वगैरह बेचते हैं वाली जाति के कुछ उनके साथ उनको ऑब्जेक्ट किया और जैसे आरोप लगाए कि पैसे वैसे मांगे उनके साथ कोई मारपीट की, तो उसी दौरान वहाँ से निकल रहे दूसरे लोगों ने उनको छुड़ाया, तो उनके साथ भी उन्होंने मैन हैंडलिंग करने की कोशिश की, जिससे वहाँ पे चूंकि वो क्रॉसिंग का इलाका है, आसपास घर भी है, तो वहाँ थोड़ी सी भीड़ हो गई। जैसे ही सूचना मिली पुलिस मौके पर पहुँची और वहाँ से भी यहाँ लोग आए और इस संबंध में जो शिकायत अरविंद की तरफ से मिली है जो छुड़ा रहे थे उनके साथ धक्का मुक्की की मारपीट की, उसमें उनको छोटे हैं उनका मेडिकल करा रहे हैं और जो अरविंद की तरफ से रिपोर्ट मिली है उसकी कार्रवाई की। मौके से हमने दो लोगों को हिरासत में लिया निरोधात्मक कार्रवाई के तहत और कुछ लोगों को नामजद किया, उनको भी हम पाबंद कराएंगे, गिरफ्तार करेंगे और आवश्यक कानूनी कार्रवाई। सर दूसरे पक्ष ने भी रिपोर्ट दी नहीं है?